मैं इस सर आप हमारा थंबनेल लेके मेरे लाडलो अब समझ गए होंगे कि आज का जो सेशन है करंट अफेयर्स का। जी याद रखिएगा, करंट अफेयर्स में ये जो टॉपिक है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किससे रिलेटेड है? पत्रकार, न्यूज, समाचार, प्रेस। जी तो हम गौर फरमाते हैं, सवाल की ओर आते हैं। जी तो हाल ही में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस दिवस, क्या पता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 3 मई को। कब पता है मेरे लाडलो? 3 मई को। जी याद रखिएगा, सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुआ था 1993 में। क्या पता है? 1993 में। जी याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने ऐलान किया था मनाने के लिए। ऐलान कौन किया था? संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने। जी अच्छा, क्या स्तर हो गया बताओ आजकल मीडिया का दौर में कि 180 देशों के इस सूचकांक में भारत का जो स्थान मिला ना, चला कितना नंबर में? 161वां स्थान में आ गया भारत। कौन? भारत। भारत का स्थान क्या आ गया है मेरे लाडला? 161वां स्थान 2023 के रिपोर्ट में। जी अच्छा, 2022 में जो था भारत का 150वें स्थान था। 2022 में कितना बताया भारत का स्थान? 150वें। जी और 3 ऐसा देश है जो शीर्ष स्थान पर है। कौन सा स्थान शीर्ष पे है? नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क। क्या क्या बताया? नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क, ये 3 जो देश है शीर्ष स्थान पर है, मतलब उच्च स्थान पर है। जी अच्छा, भारत का इस बार 2023 का जो है कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 161। क्या बोले? 161। क्या पता मेरे लाडलो? 161। जी याद रखिएगा, सबसे निचले स्थान पर कौन है? वियतनाम, चीन, उत्तरी कोरिया। वियतनाम, क्या क्या बोलते चला? वियतनाम, चीन और उत्तरी कोरिया। याद रखिएगा, 2016 में 133वें स्थान था भारत का। 2016 से क्या हुआ? मामला गड़बड़ हुआ। किसका? मीडिया का। जी याद रखिएगा, 2016 से जो स्तर घट रहा घट रहा घट रहा भारत में, जो स्तर घट रहा है इसका 2016 से अधिकतर घटा है। हाँ अरे 2016 में कितना बताए? 133वां स्थान बताए। कितना बताए? 133वां। और 2023 में क्या है? 161वां। संविधान का अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर कितना? 19। क्या बताए? अनुच्छेद नंबर याद रख लो बेटा, 19। क्या बताए? अनुच्छेद नंबर 19। जी और याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 का 1 का ए में बोलने, क्या कह, बोलने, बोलता है ना माइक लेके, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को भाषण, लेखन, चित्रण, मुद्रण या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से विचारों को, हम लोग जो बोलते हैं, कहते हैं, अपने विचारों को रखते हैं याद रखिएगा, और विश्वासों को व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। क्या चीज करता प्रदान? अधिकार, बोलने का, लिखने का, कहने का, विचार रखने का। हमको क्या करता है? अनुच्छेद 19 पे भरोसा है। किस पर? हमें अनुच्छेद 19 पर यकीन है। किस पर? अनुच्छेद 19 पर। प्रत्येक व्यक्ति का किस पर भरोसा है? 19 पे। मतलब क्या? बोलने का, लिखने का, कहने का। जी याद रखिएगा, हमें अधिकार प्रदान करता है। अच्छा 2023 का याद रखिएगा मेरे लाडलो, थीम क्या है? Shaping a future of rights, freedom of expression as a driver for all other human rights. जी याद रखिएगा। अच्छा इसका उद्देश्य क्या है? प्रेस की आजादी को, किसकी आजादी को? प्रेस की आजादी को सम्मान देना और उसके महत्व को रेखांकित करना। देखो सम्मान देना चाहिए। जी यह हमारे स्तर को क्या करता है? बनाए रखता है। और ये 2023 में कौन सा वर्षगांठ मनाया जा रहा है? तो याद रखिए मेरे लाडलो, 30वां वर्षगांठ। कौन सा बताया? 30वां वर्षगांठ। याद रखिएगा, इसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में भी जाना जाता है। क्या बताया? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में भी इसे जाना जाता है। याद रखिएगा मेरे लाडलो कि प्रेस स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का जश्न मनाना और मीडिया की स्वतंत्रता पर हमलों से बचाव
करना, ये क्या है, इसका उद्देश्य या कारण भी है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जबरदस्त करें। जय हिंद, थैंक यू।